चंदौली में असलहा दिखाकर कैमरा के साथ बैग लूटने वाले साथी लुटेरे हुए गिरफ्तार। बताते चले कि थानापुर कस्बा स्थित एक दुकानदार के फोटोग्राफर का कैमरा लूटने वाले साथी लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उनका एक साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया है। साथी लुटेरों ने सड़क पर खड़े फोटोग्राफर को असलहा दिखाकर कैमरा लूट लिया था। घटना में एक बाल अपचारी भी शामिल है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस को लुटेरों का पता चला। पेश है चंदौली से सूर्यप्रकाश सिंह की एक खास रिपोर्ट। उसको वैसे कर दिया कैमरे को उसमें रखते दो दिन पूर्व धानापुर थाना क्षेत्र में एक स्टूडियो के संचालक के सहयोगी के साथ धानापुर थाना क्षेत्र में ही तीन मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने असलहा दिखा के उनका DSLR कैमरा, मोबाइल बैटरी और चार्जर लूट लिया था। सूचना प्राप्त होने के पश्चात तत्काल पुलिस सक्रिय हुई, अभियोग पंजीकृत कर लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए और केस के अनावरण के लिए क्षेत्राधिकारी सकल लिया के नेतृत्व में उनके नेतृत्व मार्गदर्शन में टीमें काम करना शुरू कर दी। इसी बीच में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जो CCTV कैमरे लगाए गए हैं और जो हमारे मैनुअल स्रोत हैं उनसे हम लोगों ने अपराधियों की गिरफ्तारी और अनावरण के लिए काम करना शुरू किया। इसमें जो तीन मोटरसाइकिल सवार लुटेरे थे उनका हम लोगों ने फिर अपने मैनुअल तरीके से उनका नाम प्रकाश में आया और CCTV फुटेज से उसका सत्यापन भी हुआ। इसमें एक अपराधी जो तीन मोटरसाइकिल सवार लुटेरे थे उसको गिरफ्तार किया गया और उसके निशानदेही पे लूटा गया DSLR कैमरा, मोबाइल बैटरी और चार्जर बरामद किए गए हैं। इसमें दो व्यक्ति जो फोटो स्टूडियो संचालक के सहयोगी के साथ लूट कराने की घटना में शामिल थे और इन लोगों ने ही उसको फोटोग्राफी कराने के लिए ले गए थे साथ में, इन लोगों ने मुखबिर किया था और ये लगातार मोबाइल फ़ोन से लुटेरों को लोकेशन दे रहे थे और इनकी उसमें सहभागिता थी। उसमें एक बाल अपचारी था और दूसरा व्यक्ति बाल अपचारी नहीं है। तब तक कुल हम लोगों ने तीन अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। इसमें शामिल दो अभियुक्त अभी फरार चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इनका पिछला अपराधी इतिहास भी रहा है? हाँ, इसमें जो तीन मोटरसाइकिल सवार लुटेरे थे, जो तीन लोग सवार थे, इसमें एक अभिमन्यु सिंह और सुवेद सिंह है, वो पूर्व में भी लूट की घटना कारित करने के मामले में जेल जा चुका है और उसके ऊपर दो मारपीट के मुकदमे भी दर्ज है। उसका आपराधिक इतिहास है और बाकी की हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। नियत क्या रही? लूट का नियत क्या था? लूट की नियत कैमरा लूटना था। ये इसके पहले भी जो जिन दोनों लोगों ने कैमरे को लुटवाने के लिए प्लानिंग किया था ये उसके पुराने ग्राहक थे और पहले भी ये लोग जाके पैसा देके वहाँ पे फोटो शूट करवाते थे।